आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल जैसा भी आप बोलना चाहें बोलिए पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पालक पनीर की सब्ज़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होती है। हाँ, ऑयल इसमें होता है इसलिए अनहेल्दी बोल सकते हैं, पर पनीर और पालक का कॉम्बिनेशन है इसलिए थोड़ा सा हेल्दी तो बोल ही सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ना एक बड़ी सी भगोनी में बहुत ज़्यादा सा पानी उबलने के लिए रख दिया था और इसमें हल्की सी हमने चीनी डाली है और पालक जो अच्छे से धो कर साफ़ करके इसमें हम डाल देंगे। चीनी इसलिए डालना है ताकि पालक का जो कलर है इतना ही ज़्यादा ग्रीन रहे जितना कि आपको इसमें नज़र आ रहा है। कितना ज़्यादा ग्रीन है ना ये पालक, अगर आप इसमें चीनी नहीं डालेंगे तो ये हल्का सा लाइट हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर दो टमाटर लिए हैं, कुछ लहसुन लिए हैं करीबन 7-8 कली, थोड़ी सी एक चम्मच ली है तिली और यहाँ पर लिए हैं काजू के कतरन। ये देखिए टमाटर ना काफ़ी टाइम से रखे हुए थे क्योंकि महंगाई के टाइम पर टमाटर हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, एक या आधा टमाटर इस्तेमाल करते हैं तो ये रखे रखे ही ख़राब होने लगे। इससे अच्छा है कि इनको इस्तेमाल कर लिया जाए, इसीलिए मैंने इस सब्ज़ी में लिए हैं दो टमाटर बहुत ही ज़्यादा पत्थर वाले दिल के साथ, क्योंकि ख़त्म भी नहीं करना है पर ख़राब हो रहे हैं इसलिए इस्तेमाल तो करना ही पड़ेंगे। तो मैंने इनको ना रफली बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है और जो ख़राब होने वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया है। अब इसमें काजू की कतरन, तिली और लहसुन की कलियां सारी ही हम ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छा सा हम ग्राइंड कर लेंगे एक अच्छा सा पेस्ट, स्मूथ पेस्ट। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 छोटे छोटे प्याज, एकदम मीडियम साइज़ के प्याज हैं ये, इन्हें अच्छे से धुल लिया है और इन्हें हमें चॉपर में चॉप कर लेना है। यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार में मैंने जो पालक पानी में बॉईल की थी 1-2 मिनट के लिए वो वाली पालक ले ली है, हरी मिर्ची ले ली है और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है जिससे कलर और टेस्ट दोनों ही बेहतर हो जाए। तो अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया है। सब्जी की सारी तैयारी हमने कर ली है, अब स्टार्ट करते हैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ पर देखिए 2 बड़े चम्मच तेल लिया है, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा जीरा 1/4 चम्मच और जो प्याज ली थी उसे चॉप करने के बाद तेल में हमें डाल देना है और 5-7 मिनट तक इसे अच्छे से भुनना है। प्याज अच्छे से भुन जाए इसके बाद हम इसमें पेस्ट डाल देंगे टमाटर वाला जो हमने बनाया था और अच्छे से इसे चलाएंगे, मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। थोड़ा सा वही जार धोकर इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले अच्छे से सिक जाएँ, अच्छे से भुन जाएँ और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी मैं तीखी बना रही हूँ, ये देखिए लाल मिर्च यानी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी है, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर भी डाल दिया है। अच्छे से चला देंगे, मसाले मिक्स कर देंगे और ग्रेवी जल्दी से पक जाए इसके लिए हम तेल डाल दें नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे साथ में जिससे ग्रेवी हमारी बहुत अच्छे से पक जाए। अब देखिए कल ही मैंने यहाँ पर आपको पनीर की रेसिपी भी शेयर की थी कि पनीर कैसे बनाना है, तो वही पनीर मैंने ले लिया है, इसको सेट करने के लिए रख दिया था और इसके छोटे छोटे टुकड़े हमने कट कर लिए हैं, लगभग 1 इंच के बराबर टुकड़े कट किए हैं और ये 100-150 ग्राम पनीर आराम से होगा, 1 लीटर दूध से बनाया है तो बहुत ही अच्छा पनीर बनकर तैयार हुआ था। आप ज़रूर से ट्राई करना घर पर भी बनाया हुआ पनीर। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो भी अच्छे से भुन चुकी है, ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है, तो जो पालक वाला पेस्ट था अब वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे कि पालक का जो कलर है वो चेंज हो गया है, पर ऐसा नहीं है कि वाइट वाइट सा हो गया है, अभी भी ये बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टुकड़ा बटर या जो भी आता है ना अमूल का छोटा वाला बटर, मैंने वही इसमें डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ग्रेवी की थिकनेस कैसी रखनी है ये आपके ऊपर है, आपको पतला रखना है तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालना, गाढ़ा रखना है तो पानी कम डालना। अब 5 मिनट ग्रेवी को अच्छे से भुनने के बाद इसमें डाल देंगे हम पनीर और एकदम हल्के हल्के हाथों से चलाएंगे ताकि ये पनीर के टुकड़े हैं जो ऐसे ही रहें, इसके पीसेस बिखरे नहीं, टूटे नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए इनका, जैसे ये पीसेस हमने डाले हैं वैसे ही रहना चाहिए। पनीर मिक्स करने के बाद 5 मिनट और पकाना, फिर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा शुगर मतलब चीनी और थोड़ा सा ही मैं इसमें मावा डाल रही हूँ, ये एकदम ऑप्शनल है पर टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। आपके पास हो तो आप डाल देना वरना इसकी जगह आप मलाई भी डाल सकते हैं, ताजे दूध की मलाई आप आराम से इसमें डाल देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है और सिर्फ 15 मिनट लगते हैं ये सब्ज़ी बनने में
और अब क्या करेंगे, हम इसके लिए एक तड़का रेडी कर रहे हैं। तो मैंने एक छोटे चम्मच तेल लिया है और आधा बटर वाला टुकड़ा ले लिया है। हींग डाली है, दो लाल मिर्ची, और ये डाली है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। और ये तड़का अच्छे से बन गया है हमारा, और ये अब सब्जी के ऊपर पूरा हम डाल देंगे। इस तड़के से सब्जी का कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ये तड़का आप ज़रूर से बनाएं, और बहुत ही अच्छी सब्जी हमारी बनकर तैयार होगी एकदम ढाबा स्टाइल में। बहुत ही मस्त लगती है नान के साथ, तवा रोटी के साथ, पराठे के साथ, लच्छा पराठे के साथ। आप जिसके साथ सर्व करना चाहें करिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, और पालक पनीर की ये सब्जी बनाकर कल ही अपने घर पर ट्राई करना और सबको खिलाना। पक्का आपको बहुत ज़्यादा तारीफें मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।